Good afternoon class. Today I am going to take the class on immunotherapy, which is basically used for the patients who are suffering from cancer. Okay, so first of all we start from immunotherapy. What is immunotherapy? It is a biological therapy या फिर biology therapy we can say. इसके अंदर हम लोग mainly क्या करते हैं, patient की body से immune cells को निकाल कर generate कर कर हम उसे laboratory के अंदर स्पेशल मीडियम्स के अंदर और स्पेशल क्वालिटीज़ के साथ हम उसे क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, उसे स्पेशल मीडियम्स के अंदर ग्रो करते हैं और उसके बाद हम बॉडी के अंदर उसे वापस से री इन्फ्यूज करते हैं ताकि आपकी जो बॉडी का जो नॉर्मल नेचुरल डिफेंस जो है सिस्टम वो कैंसर सेल से फाइट कर सके. और ये क्या करता है, एकदम से कैंसर सेल से फाइट मतलब कि एक डोज के साथ ही कैंसर सेल से फाइट करना शुरू करता है ऐसा नहीं है, ये धीरे धीरे बॉडी की एनवायरनमेंट के साथ कॉपरेट करना शुरू करता है और स्लोली ये क्या करता है, कैंसर सेल्स की ग्रोथ को धीरे धीरे उसकी ग्रोथ को स्टॉप करना शुरू करता है और मल्टीपल डिविजन्स जो हो रहे होते हैं कैंसर सेल्स के अंदर उनको ग्रोथ उनकी जो ग्रोथ और जो है उन्हें स्टॉप करने में हेल्प करता है. नेक्स्ट वी कैन सी दैट कि किस किस टाइप्स के कैंसर्स के अंदर हम लोग इम्यूनोथेरेपी यूज़ कर सकते हैं. सम कैंसर्स जैसे कि लंग कैंसर हो गया, स्किन कैंसर्स के अंदर स्पेशली मेलेनोमा हो गया, रीनल कैंसर हो गया, हेड एंड नेक कैंसर्स हो गए, लिम्फोमा हो गया, इन सब कैंसर्स के अंदर हम मेनली इम्यूनोथेरेपी भी देते हैं क्योंकि इसके अंदर जो होता है हमारी इम्यूनिटी सिस्टम जो होती है वीक होती रहती है. हमारी इम्यूनिटी सिस्टम कंटिन्यूस जो है हमारे साथ वर्क करते हुए या फिर कंटिन्यूस जो है डिजीजेस से फाइट करते हुए इनके अंदर P3 जीन्स जो होते हैं वो धीरे धीरे क्या करते हैं, एक तरीके से वीक होना शुरू जाते हैं कि वो पेशेंट की जो नॉर्मल इम्यून सिस्टम्स जो है प्रॉपरली कैंसर सेल्स के साथ फाइट आउट नहीं कर पाते हैं. तो उस टाइम पर हम लोग पेशेंट को इम्यूनोथेरेपी देते हैं. नेक्स्ट, किस तरीके से इम्यूनोथेरेपी हमारी बॉडी के अंदर काम करता है. फर्स्टली हम क्या करते हैं, हम पेशेंट के कुछ पार्ट्स से इम्यून सिस्टम इम्यून सेल्स को क्या करते हैं एक तरीके से सेपरेट आउट कर देते हैं. सेपरेट आउट करने के बाद हम क्या करते हैं, कुछ वे से कुछ मेथड से जो हम लोग करते हैं, फर्स्ट स्टिमुलेटिंग, हम उनके जो लिपिड्स हैं उनकी जो सेल्स की जो वॉल्स है प्रोटीन्स जो है उन्हें वापस से स्टिमुलेट करते हैं ताकि वो जो है इतना एक्टिवेटेड फॉर्म में एक तरीके से नॉर्मली न्यूली किसी सेल्स को हम लोग जनरेट कर कर बॉडी के अंदर सेंड करते हैं वैसे ही क्या करते हैं, हम इन इम्यून सेल्स को बिल्कुल न्यूली प्रॉपरली जनरेट कर कर बिल्कुल न्यू जनरेट कर कर हम बॉडी के अंदर ट्रांसफ्यूज़ करते हैं. तो ये बॉडी के अंदर जैसे ही ट्रांसफ्यूज़ होते हैं बॉडी की इम्यून सिस्टम्स के इम्यून सेल्स के साथ एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं, नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म जो होती है हमारी बॉडी की इम्यूनिटी की इम्यून सेल्स की नेचुरल बॉडी मैकेनिज्म्स जो होते हैं उनके साथ ये क्या करता है, कोगुलेट करना शुरू कर देता है और ये धीरे धीरे फुल बॉडी के अंदर वर्कआउट करना एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है. जैसे ही ये एक्टिवेट होते हैं ये हमारे जो सेल्स हैं जो आपकी जो नॉर्मल कैंसर सेल्स जो है उनको आइडेंटिफाई कर कर स्पेशली उन्हें ही टारगेट कर कर उन सेल्स को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करता है. हम कुछ मेडिसिन जो है कुछ ड्रग्स हैं जो यूज़ करते हैं मेनली इम्यून थेरेपीज के लिए वो है इमिक्यूमॉइड लेनिमॉइड एंड थैलोडोमाइड. ये कुछ ऐसी मेडिसिन है जो डिफरेंटली डिफरेंट कैंसर सेल्स के अंदर हम यूज़ करते हैं मगर ये ऐसा नहीं है कि हम इनको सिर्फ सिंगल डोज देते हैं, हम इन्हें रिपीटेड साइकिल्स के अंदर देते हैं ताकि ये क्या कर सकें हमारी बॉडी के अंदर धीरे धीरे बॉडी के अंदर एक्टिवेट होना शुरू हो जाए. जिस तरीके से हर थेरेपी का हर मेडिकेशन का साइड इफ़ेक्ट होता है सेम इम्यूनोथेरेपी का भी साइड इफ़ेक्ट होता है. इसके अंदर हेयर लॉस विजन लॉस ये सब चीज़ें हियरिंग लॉस जो है जिस तरीके से कीमोथेरेपी में होता है इम्यूनोथेरेपी में इट्स वेरी रेयर बट मेनली जो होते हैं नॉर्मल आपकी जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस आते हैं मेडिसिन को लेकर सेम उसी तरीके के रिएक्शंस आते हैं इम्यूनोथेरेपी के अंदर जिसके अंदर स्किन रेडनेसेस आते हैं ब्लिस्टर्स आने शुरू जाते हैं आपकी जो है फीवर विथ चिल्स आना नॉजिया वॉमिटिंग ये सब चीज़ें पेशेंट्स को फील होने शुरू होती हैं. मगर मेनली जो है कुछ जो साइड इफ़ेक्ट्स को हम लोग ध्यान में रखना चाहिए वो ये है कि हार्मोनल चेंजेस फॉर एग्जांपल हाइपोथायरॉयडिज्म पेशेंट के हार्मोन्स के अंदर वेरिएशंस होने शुरू हो जाते हैं ठीक है. और उसके अलावा जो है ब्लड प्रेशर्स जो होता है पेशेंट के बॉडी के अंदर फ्लूड रिटेनिंग्स होते हैं ये कुछ ऐसी सीवियर कंडीशंस है जो इम्यूनोथेरेपी के अंदर हो सकता है पेशेंट को. ये कंडीशंस तब होती है हाई और लो ब्लड प्रेशर हार्मोनल चेंजेस वेट गेंस तो जब पेशेंट जो है आपको स्टार्टिंग में ही इन चीज़ों के बारे में उसको अगर कोई बॉडी के अंदर रिएक्शंस हो रहे हैं डर के मारे जब पेशेंट नहीं बता पाता है तो हम कंटिन्यूस ट्रीटमेंट देने की वजह से कई बार पेशेंट की कंडीशंस इतनी सीवियर हो सकती है.
नेक्स्ट, अगर हम सीवियर अकॉर्डिंग टू द सीवियरिटी हम क्या करते हैं, पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हैं. अगर पेशेंट को ज़्यादा ही सीवियर हो रहा है, पेशेंट को कुछ ज़्यादा ही सीवियर साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, तो हम ट्रीटमेंट को डिसकंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर अकॉर्डिंग टू द अफेक्ट साइड इफेक्ट एडवर्स इफेक्ट हम पेशेंट को कोई भी मेडिकेशंस दे सकते हैं. फॉर एग्जांपल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, हम वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे सकते हैं ताकि पेशेंट का जो है, जैसे स्किन रैशेस हो गया, फीवर विद चिल्स आ रहे हैं, हम ये सब देखकर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देकर पेशेंट को उस टाइम पे काम कर सकते हैं. ट्रीटमेंट साइकिल इन इम्यूनोथेरेपी, एज आई सेड, कि एक बार में या फिर एक ट्रीटमेंट में ही पेशेंट को, एक डोज में ही पेशेंट का इम्यूनिटी डेवलप नहीं होता, तो हम इसे 2 to 3 weeks के साइड रिपीटिंग साइकिल्स पे देते हैं. और ये जो साइकिल्स होती है, हम पेशेंट के फर्स्ट इम्यूनोथेरेपी के रिएक्शंस के बाद क्या करते हैं, हम पेशेंट को ये साइकिल्स रिपीटेड साइकिल्स में देते हैं. क्योंकि अगर पेशेंट फर्स्ट जो है ट्रीटमेंट के टाइम पे जिस तरीके से रिस्पॉन्ड कर होता है, हम उसी तरीके से उसकी बॉडी का उसके लिए साइकिल्स, रिपीटेड साइकिल्स जो है डॉक्टर्स बनाते हैं. अगर पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो वो पेशेंट को मेडिकेशन चेंज करना या फिर थेरेपीज के अंदर कुछ मॉड्यूलेशंस कुछ करना, वो सब चीज़ें करते हैं. उसके बाद ही हम क्या करते हैं, पेशेंट की बॉडी के लिए, पेशेंट के लिए हम लोग साइकिल्स को रिपीट करते हैं. नेक्स्ट, हाउ ट्यूमर रिस्पॉन्ड्स टू द थेरेपी. ट्यूमर मेनली थेरेपी को रिस्पॉन्ड इस तरीके से करता है कि जिस तरीके से पहले क्या करेगा, ट्यूमर आपकी इस बॉडी जो इम्यून थेरेपी हम लोग दे रहे हैं उस चीज़ को, न्यूली कोई भी एलिमेंट आता है, तो एबनॉर्मल सेल्स क्या करते हैं, हर चीज़ को उनको, उनके पास डिटेक्ट करने का जो होता है इतना प्रॉपरली वो डिटेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज कैंसर सेल्स आर एबनॉर्मल सेल्स. तो न्यूली कोई भी सेल्स को हम, जैसे ही हम लोग कोई भी थेरेपी या फिर कोई भी सेल्स को हम बॉडी के अंदर ट्रांसफ्यूज़ करते हैं, तो वो क्या करता है, एबनॉर्मल सेल्स उन्हें क्या करता है, अपने अंदर एंगेज कर लेता है. जैसे ही वो एंगेज करता है, तो ट्यूमर सेल्स के अंदर इम्यून्स जो है जाने के बाद क्या करते हैं, वो स्वेलअप हो जाते हैं. और स्वेलअप होने के बाद जैसे ही कैंसर सेल्स ने एब्जॉर्ब कर लिया, धीरे धीरे इम्यून थेरेपीज जो होती है, इम्यून्स जो होते हैं, वो कैंसर सेल्स के जो लिपिड्स प्रोटीन्स जो होते हैं, उन्हें धीरे धीरे डैमेज करना शुरू कर देते हैं, उन्हें श्रिंक करते हैं. और जिसके कारण क्या होता है, धीरे धीरे वो कैंसर सेल्स डैमेज होना शुरू होते हैं, उन कैंसर सेल्स की डेथ होनी शुरू होती है. नेक्स्ट, वी विल डिस्कस अबाउट द नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी. एज वी नो दैट कि हमारे पास जो भी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, नर्सेस को हम लोग ऑन्कोलॉजिकल फील्ड्स के अंदर या फिर ऑन्कोलॉजिकल मेडिसिन के लिए हम लोग पेशेंट नर्सेस को ट्रेन करते हैं. फॉर एग्जाम्पल फॉर कीमोथेरेपी, फॉर रेडिएशन थेरेपी एंड फॉर इम्यूनोथेरेपी, हार्मोनल थेरेपी, हम नर्सेस को उनके बारे में एजुकेट करते हैं. हम पेड नर्सेस को बताते हैं किस तरीके से उन चीज़ों को अप्लाई करना है और उसके अंदर किन किन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है. तो उनके अंदर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जैसे कि फर्स्ट एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस होना चाहिए. वो जो भी प्रैक्टिस कर रही है उसका एविडेंस होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि उन्हें नहीं पता और वो ऐसे ही कर रहे हैं. नर्सेस शुड नो एग्जैक्टली व्हाट दे आर डूइंग एंड व्हाट ट्रीटमेंट दे आर गिविंग टू द पेशेंट. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द नर्स, दे शुड हैव अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक कंसेप्ट. बेसिक कंसेप्ट अकॉर्डिंग टू द डोज, अकॉर्डिंग टू द ट्रांसफ्यूजन, हाउ टू ट्रांसफ्यूज, हाउ टू गिव दैट मेडिकेशन, एवरीथिंग. सेकेंड, नॉर्मल बेसिक कंसेप्ट इज हाउ टू मेक द पेशेंट काम, हाउ टू गाइड द पेशेंट, हाउ टू काउंसिल द पेशेंट ड्यूरिंग दीज इफ एनी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस अपीयर्स और एनी फियर पेशेंट इज हैविंग, हाउ टू गिव साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू द पेशेंट. These all things should nurse know. Next, according to the reduction of the patient, according to the reduction principle of immunotherapy, that immunotherapy के अंदर हम ऐसा नहीं है कि half dose देकर half dose को हम लोग side में रख देंगे. In immunotherapy, if we are giving any immune, then it should be in fully dose. It is not be reduced according to our priority. Next, the main thing is that the nurse who is doing the immunotherapy, she should know that medications, mechanism of action, adverse reaction, administration principles, toxicity, nursing assessment, everything. What all steps she has to follow, she has to know all, each and everything. So for immunotherapy and especially cancer department ke andar, हम nurses को भेजने से पहले उन्हें train करते हैं and nurses को इन सब responsibilities के बारे में बताना चाहिए. This is the short overview of immunotherapy and how the nurses should work on it. Thank you for the class. Thank you.